हाय फ्रेंड्स, डीआरएस हिंदी कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस कहानी का पूरा आनंद उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आज का कहानी है अकबर बीरबल की कहानी। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि अकबर बीरबल की कहानी बहुत प्रचलित कहानी है। अकबर के हर सवाल को जवाब बीरबल बहुत आसानी से दे देते थे। तो चलते हैं, आज तीन सवालों को जवाब बीरबल कैसे देते हैं। अकबर बीरबल की कहानी अकबर के प्रश्नों और बीरबल के जवाबों से जुड़े किस्से काफ़ी प्रचलित हैं। कहते हैं कि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। अकबर के सवालों के सटीक जवाब बीरबल के पास होते थे। आइए पढ़ते हैं इन दोनों का ऐसा ही एक रोचक किस्सा, जिसमें अकबर ने बीरबल से ईश्वर से जुड़े तीन प्रश्न पूछे थे। वो तीन प्रश्न थे, ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिलता है, ईश्वर करता क्या है। जब अकबर ने ये प्रश्न पूछे तो बीरबल बहुत अचंभित हुए और उन्हें कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर वह कर बताएगा। यह कहकर बीरबल अपने घर लौट आए। बीरबल इन प्रश्नों को लेकर बहुत चिंतित थे। बीरबल के पुत्र ने चिंता के कारण पूछा तो बीरबल ने अकबर के तीन प्रश्न बताए दिए। बीरबल के पुत्र ने कहा कि वह खुद कल दरबार में बादशाह को इन तीन प्रश्नों के जवाब देगा। अगले दिन बीरबल अपने पुत्र के साथ दरबार में पहुंच गया और बादशाह अकबर से बोला कि आपके तीन प्रश्नों के जवाब तो मेरा पुत्र भी दे सकता है। अकबर ने कहा, ठीक है, बताओ ईश्वर कहाँ रहता है। इन प्रश्नों का जवाब के लिए बीरबल के पुत्र ने दूध मंगाया जिसमें चीनी मिली हुई थी। उसने वह दूध अकबर को दिया और कहा, चखकर बताइए दूध कैसा है। अकबर ने चखकर बताया कि दूध मीठा है। तब बीरबल के पुत्र ने कहा, इसमें चीनी दिख रही है। अकबर ने कहा, नहीं, इसमें चीनी तो नहीं दिख रही है, वह तो दूध में घुल गई है। बीरबल के पुत्र ने कहा, जाह पनाह, ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार की हर चीज में घुला हुआ है, लेकिन दूध में घुली हुई चीनी की तरह दिखाई नहीं देता है। अकबर जवाब से संतुष्ट हो गया। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर कैसा मिलता है। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए बीरबल के पुत्र ने दही मंगवाया। बीरबल के पुत्र ने अकबर को दही देते हुए कहा, जहाँ बना इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है। अकबर ने कहा, दही में मक्खन तो है, लेकिन दही मथने पर ही मक्खन दिखाई देगा। बीरबल के पुत्र ने कहा, जहाँ बना ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी मन का मंथन करने पर ही मिल सकते हैं। अकबर इस जवाब से भी संतुष्ट हो गया। अकबर ने तीसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर करता क्या है। बीरबल के पुत्र ने कहा, जहाँपना इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको मुझे गुरु मानना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है, अब से तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा शिष्य। बीरबल के पुत्र ने कहा, गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठता है और शिष्य हमेशा नीचे बैठता है। अकबर तुरंत ही अपने सिंहासन से उठ गया और बीरबल के पुत्र का सिंहासन पर बैठकर खुद नीचे बैठ गया। सिंहासन पर बैठते ही बीरबल के पुत्र ने कहा, जहाँ पना यही आपके तीसरे प्रश्न का जवाब है। ईश्वर राजा को रंग बनाता है और रंक को राजा बना देता है। अकबर इस जवाब से भी संतुष्ट हो गए। तो दोस्तों, कैसा रहा है आज की यह कहानी अकबर और बीरबल की, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ऐसे भी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।